नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस दौड़ में, एक्साइज दौड़ में बच्चे हमारे मरते रहेंगे, और क्या नेता इधर से उधर पार्टी बदलने की तैयारी करते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। आज कई बच्चे पलामू से लेकर जमशेदपुर तक और जमशेदपुर से लेकर साहिबगंज तक में मौत के मुंह में चले गए हैं। दौड़ने के चलते उनकी मौत हो गई है। लेकिन यहाँ पर दो तीन कारण का आज विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे किसके लिए जिम्मेवार कौन है। आज उन आंदोलन करने वाले छात्र छात्राओं से भी पूछेंगे कि जो बात बात में सड़क में आंदोलन करते हैं, बात बात में ट्विटर कैंपेन चलाते हैं, क्या सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं? क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो इतने दिन से जो बच्चे उनके लिए आंदोलन कर रहे थे, जो बच्चे उनके लिए ट्विटर पर दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे, आज उनके मौत के बाद उनके मुआवजे को लेकर ट्विटर पर कोई कैंपेन चलाया जाता? क्या आज ये समय नहीं आ गया है कि तमाम स्टूडेंट के पक्ष में आज स्टूडेंट को एकजुट होकर के ये बताना चाहिए कि वो इस समय मौत के समय में उन तमाम लोगों के साथ में वो खड़ा है? इसकी क्या जरूरत है, इसको समझने की भी जरूरत होगी। आप समझिए कि पिछले कई दिनों से झारखंड में आंदोलन हो रहा था। आंदोलन इसलिए हो रहा था कि परीक्षा टाइम से होना चाहिए। सरकार के ऊपर इतना प्रेशर स्टूडेंट ने ही डाला कि वो किसी भी हालत में परीक्षा ले ले, वह दौड़ वाली परीक्षा ले ले। पहले चिप नहीं था, हमने कई बार इस पर ब्रेकिंग डाला था, चिप आ गया। और अब जब दौड़ की शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही कई घटनाएं घटना शुरू हो गया। कारण को समझना पड़ेगा। ये जो अगस्त के अंतिम सप्ताह, मतलब 15 अगस्त के बाद वाला वीक और सितंबर महीना, ये दो ऐसा समय होता है जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे समय में पहले से लोग बीमारी से, बुखार से परेशान होते हैं, और ऐसे समय में सरकार पर इतना प्रेशर था उन लोगों का, जो लोग लगातार कैंपेन चला रहे थे कि गवर्नमेंट को एग्जाम लेना पड़ा। और एग्जाम जब शुरू हुआ तो आज उसी उमस और गर्मी से लोग मरते जा रहे हैं, स्टूडेंट की मौत होती जा रही है, लेकिन सरकार मुआवजा तक नहीं दे रही है। सिर्फ प्राथमिक उपचार हो रहा है, प्राथमिक केंद्र में हो रहा है, और बहुत ज्यादा सीरियस और नाजुक हालत है तो उसे किसी दूसरे स्थान पर भर्ती करा दिया जा रहा है। हम और आप सिर्फ उन्हीं घटनाओं को देख पा रहे हैं जो लोग डेथ कर गए, इसकी संख्या 4 से लेकर 10 के बीच है, लेकिन ये संख्या आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। सरकार ये चाहती थी कि वह दौड़ का आयोजन नवंबर में करवाए, लेकिन उस पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि उसे ये 15 अगस्त के समय में ही शुरू करवा देना पड़ा, और इसका नतीजा हुआ कि कई बच्चे मौत के काल में समाते जा रहे हैं। अब देखिए, दौड़ की प्रैक्टिस तो आपने किया होगा, 40 मिनट हो, 1 घंटा हो, 5 किलोमीटर हो, और आपका 10 किलोमीटर हो, ट्रैक पर दौड़ना है। दौड़ने के समय में हालांकि सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से पूरी सुविधा है, आप बीच बीच में पानी पी सकते हैं, आप बीच बीच में थोड़ा देर रेस्ट भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई रोक नहीं है। आपको जो टाइमिंग दिया गया है उसी टाइमिंग में आपको पूरा करना है, मतलब आपके लिए कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको फुल स्पीड बेन जॉनसन के तर्ज पर कोई रिकॉर्ड बनाना है। एक टाइम है, आप उस टाइम को वॉकिंग के अंदाज में पूरा कर दीजिए या रनिंग के अंदाज में कर दीजिए, आपके ऊपर है। आज हमारे तमाम स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो दौड़ने के पहले 2-3 दिन पहले से ग्लूकोज पानी का सेवन करना चाहिए उनको, बीच बीच में वो पानी जरूर से ले, और जैसे ही उनका सांस फूलने लगे, क्योंकि दौड़ते समय जब सांस फूलने लगता है तो उसके चलते उनके फेफड़ा में, आंत में काफी दिक्कत हो जाती है ऑक्सीजन की, और इससे हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो हमें लगता है कि वैसे समय पर आपको रुक जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि आप सिपाही की दौड़ में असफल हो जाएंगे, लेकिन सिपाही की दौड़ में असफल होने के बाद भी क्या आपका करियर बर्बाद हो जा रहा है? जी नहीं, आपके पास कई अपॉर्चुनिटी है, इस दौड़ के अलावा भी अपॉर्चुनिटी है। आप रेलवे में जा सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो दौड़ में असफल होने के बाद वो अच्छे एग्जाम को भी पास करेंगे। इसलिए जैसे ही आपको अंदाजा हो, या फिर आपको पहले से सांस की प्रॉब्लम रही हो, आपका शरीर आज की और पहले के खान पान में भी काफी अंतर है, आज के युवा
उस खान पान को नहीं कर पाते जो पुराने समय में लोग करते थे। यही कारण है कि पुराने समय में लोग दौड़ जाते थे, उस समय में उतनी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज जब आपको दौड़ने के लिए कोई लोग पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उनका एडमिट कार्ड आ गया है, तो उनको लगता है कि इस मौके को हम हाथ से जाने नहीं दें। और वो अचानक से जब उनको 6 राउंड और 8 राउंड के ट्रैक पर दौड़वाया जाता है, जो अमूमन पुलिस लाइन या कोई एयरपोर्ट के नजदीक करवाया जा रहा है या फिर एयरपोर्ट के ट्रैक में जो बंद हो चुका है वहां करवाया जा रहा है, ऐसे में स्टूडेंट को दिक्कत होना लाजमी हो जाता है। हालांकि हमारे युवा काफी बड़ी संख्या में क्वालिफाई करते जा रहे हैं चिप लगा हुआ पैर में, लेकिन इसके बावजूद बहुत बच्चे मर जा रहे हैं, जिसका हमें काफी अफसोस है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो युवा बात बात में आंदोलन करते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं, आप देखते होंगे कि आंदोलन में 500 लोग ही आते हैं, आज उन तमाम लोगों को ये चाहिए कि इनके लिए सामने आए, एक प्लानिंग करें। और हम चुके देखिए, अब आप बोलेंगे कि सर आप क्यों नहीं आते, हमारा काम देखिए, हर किसी का काम बता रहता। आप देखते होंगे कि जो लोग ट्विटर आंदोलन करवाते हैं उनकी एक टीम रखे हैं, उनका वही काम है। आंदोलन के लिए हम हमेशा आपसे बात करते हैं, जो संसाधन की जरूरत पड़ती है हमेशा उसकी सुविधा देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति भी खुद हर समय आपके साथ हो। अगर आपके 10 आंदोलन में से 8 बार आपके साथ हैं, 2 बार आपके साथ नहीं आ पाए, तो आप लोग उस पर सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे शिक्षक इसलिए आप लोगों से दूर होना चाहते हैं, लेकिन हम आवाज उठाते हैं आपके लिए हमेशा। और कभी भी आपने किसी भी हमारे किसी शो में कभी नहीं सुना होगा कि हम कभी भी किसी कोर्स की बात कर रहे होंगे। आज तमाम युवा परेशान है हमसे, ढेर सारे सोशल मीडिया में लोगों का कमेंट देख रहे हैं, लोग यही लिख रहे हैं कि स्टूडेंट का कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन शिक्षकों का मालामाल होना तय है। सभी शिक्षक के पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन स्टूडेंट के पास क्या है? अमिताभ बच्चन बोलते हैं स्टूडेंट के पास माँ है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि सारे शिक्षक एक ही प्रकार के नहीं है। सभी शिक्षक आपको कोर्स खरीदने को नहीं कहते हैं, कुछ शिक्षक जागरूकता लाते हैं, कुछ शिक्षक फ्री में भी पढ़ाते हैं, और कुछ शिक्षक कोर्स भी बेचते हैं। उनका अपना दावा होता है कि अगर वो ऑनलाइन कोर्स नहीं बेचेंगे तो वो फिर आपके लिए कैसे संसाधन को मैनेज कर पाएंगे। तो सभी का अपना अपना तरीका है, आपके लिए आवाज हर कोई उठाते हैं, लेकिन आज आवाज उठाना है उन लोगों के लिए जो हमारे बीच नहीं है, जिन लोगों की मौत युवा वर्ग से हो गई है, एक होनहार बच्चे की मौत हो गई है, उनके परिवार के लिए उठाना है। और अभी तक सारे लोग इस पर खामोश हैं, सारे लोग चुप हैं, सारे लोग को सिर्फ एक ही एग्जाम का जल्दी है, वो है जेएसएससी सीजीएल। आप देखे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल जब बोला जाता है, सोचिए कि सीजीएल को लिखने वाले हमें लगता है कि 3-4 लाख बच्चे वो भी होंगे जो दौड़ में होंगे। एक अदद सरकारी नौकरी सबको चाहिए, चाहे वो सिपाही का हो, क्लर्क का हो या फिर ऑफिसर का हो। इसलिए आज जरूरत है तमाम लोगों को एक मंच पर आने का। और आप लोगों, जब तक आप फिर से एक बार सोशल मीडिया में उन बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाइएगा, उन बच्चों के लिए आप चिट्ठी नहीं लिखिएगा, तो हमें लगता है कि आगे से आंदोलन फीका पड़ेगा, कमजोर होगा, जो लगभग हाल के आंदोलन में दिखना शुरू हो गया है। उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातों को पॉजिटिव में लीजिएगा। इसको कोई टीचर, अधिकांश टीचर हमारा विरोध करते हैं और उनका कहना है कि ये आकर के टीचर के अगेंस्ट में बोल देते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश होती है कि जो सच की आवाज है उसे बोला जाए और उसे स्वीकार भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया है। और जिला पुलिस का भी दौड़ होगा एक्सरसाइज के दौड़ के बाद में, आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि अचानक से हम चले गए और उसमें सांस फूलने लगे और फिर भी दौड़ करके पार करेंगे। मूवी में जो मिल्खा सिंह का मूवी देखे होंगे, जो आप भाग मिल्खा भाग देखे होंगे, जो पीटी उषा के लिए मूवी देखे होंगे, वो मूवी होता है। पिक्चर में चीजों को थोड़ी अलग प्रकार से दिखाई जाती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अंतिम समय में सांस भी फूल रहा है, तो हमको उसी मूवी के तर्ज पर